सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी एडिट। सो गाइस, मैं आज आपको पिक्सार्ट की मदद से ब्लैक एंड वाइट ब्लू टिक फोटो एडिटिंग करना बताऊंगा। अगर आपको भी अगर इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना पिक्सार्ट ऐप ओपन कर लेना है और ये प्लस वाले आइकन पे आना है। तो आपको जो भी फोटो एडिट करनी है उसको ऐड कर लेना है। तो मैं फ़ोन रोटेट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और आपको जाना है BSW पे, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और इसको R पे करके और यहाँ से डन कर देना है। तो गाइस देख सकते हो अपनी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद गाइस वापस आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और स्केच वाले ऑप्शन पे आना है और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो आपकी फ़ोटो का स्केच बन चुका है। आपको कलर ब्लैक सेलेक्ट करना है और इसको 0 पे कर देना है, यहाँ से डन कर देना है। सो गाइस देख सकते हो स्केच बन के आ चुका है फोटो का। सो गाइस इसके बाद टूल्स वाले ऑप्शन पे आना है और एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आना है। आपको ब्राइटनेस कर देनी है 80% के आसपास और कॉन्टेस्ट कर देना है -47। आपको क्लियरिटी पे जाना है गाइस और इसको कर देना है 83 के आसपास और शेडो वाले ऑप्शन पे आना है और इसको -100 कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। सर गाइस वापस से आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे आना है, एडजस्ट पे आना है और आपको शेडो वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसको शेडो कर देना है -94 और क्लियरिटी वाले ऑप्शन पे आना है और क्लियरिटी कर देना है 30% के आसपास और यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद गाइस आपको जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन पे और आपको कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है और ब्रश वाले ऑप्शन पे आके इसे साइज कर लेना है 30% के आसपास, हार्डनेस और ओब्लिसिटी को 110 देना है और आपको अपने गॉगल्स पे ड्रॉ कर देना है। मैं साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ उसका। तो गाइस आपको ईयर पे भी कर लेना है, जल्दी से कर लेता हूँ गाइस। सो गाइस देख सकते हो जिस प्रकार से बन के आ चुका है। इसके बाद गाइस आपको अपनी टी शर्ट पे भी ये ब्लैक कलर कर लेना है कुछ इस प्रकार से। गाइस मैं साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ उसका, 40% के आसपास रख लेता हूँ। सो जल्दी से कर लेता हूँ। देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से बन गया चुका है। इसके बाद गाइस आपको जाना है 3 डॉट पे और यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक कर देना है तो आपकी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। गाइस आपको वापस से पिक्सार्ट ऐप ओपन कर लेना है, ये प्लस वाले आइकन पे आना है और ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे चले आना है और आपको वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे आना है और क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है और आपको इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद गाइस आपको जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन पे और आपको कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है और आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है तो ये सर्कल वाले ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ से डन कर देना है। और कुछ इस प्रकार से गाइस सर्कल ड्रॉ कर देना है, उसको बड़ा कर लेते हैं। गाइस यहाँ से डन कर देना है।
इसके अंदर गाइस आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आना है। और जो गाइस अभी आपने गैलरी में फ़ोटो सेव करी थी उसको ऐड कर लेना है। इसके अंदर गाइस आपको कटआउट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से पर्सन ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। थोड़ा लोड लेगा गाइस वो। सो गाइस देख सकते हो अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। आपको गाइस वापस से इरेज वाले ऑप्शन पे आना है और आपको यहाँ से इरेज कर देना है। सो गाइस मैंने कर दिया, मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बन के आ चुका है। इसके बाद गाइस आपको जूम कर लेना फ़ोटो को और आपको इरेज वाले ऑप्शन पे आना है और आपको यहाँ से इरेज कर देना है। मैं रीस्टोर वाले पे जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको रीस्टोर कर देता हूँ। सो गाइस मैंने कर दिया है, मैं यहाँ से डन कर देता हूँ और यहाँ से भी डन कर देता हूँ। इसके बाद गाइस आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आना है और आपको एक PNG ऐड कर लेना है, ये वाला। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो। इसको गाइस अच्छे से एडजस्ट करने के यार, और यहाँ से डन कर देना है। तो गाइस देख सकते हो फाइनली फोटो एडिट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इस टाइप की एडिटिंग लाता रहता हूँ और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लेना। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।